मुकेश चौधरी मेरे भैया को फोन करके बोला कि हेमंत फरियाना है, फरिया लो। उसके बाद भैया हम लोग चल गए थाना, हम लोग सुबह से उधर ही है, थाना गए, थाना पे हम लोग थे, उधर से सारा आदमी भेज के इधर मारा। मेरी बहन जान रहा है कि घर यही है हेमंत आपका। तो 250 लड़का पूरे मोहल्ला में तोड़फोड़ किया, सबके घर पे रोड़ाबाजी किया, एक लड़का बगल में है उसको टाइगर भी भोंक दिया गया। हाँ, एक बच्चा उन शरारती तत्वों को पकड़ने की कोशिश किया जिसमें शिवम कुमार नाम का एक लड़का था जिसको इन लोगों ने चाकू मारा है, वो अभी सदर अस्पताल में इलाजरत है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के लकड़ी डाई मोहल्ला सोमवार की सुबह से ही रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। सुबह से ही लकड़ी डाई मोहल्ले में जो है मारपीट जैसी घटना निकलकर सामने आ रही थी, जहां पर एक युवक को सुबह में मारा गया था। उसके बाद बता दें कि आज दोपहर में फिर लकड़ी डाई मोहल्ले में दो गुट जो है आपस में भिड़े हैं, जहां पर एक गुट की तरफ से जो है मोहल्ले में जाकर या ढाई मोहल्ले में जाकर तोड़फोड़ किया गया, कई वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया है, जिसमें एक फोर व्हीलर और कई सारे दो चक्का वाहन है। इसके साथ साथ एक मोहल्ले के ही एक युवक शिवम कुमार को भी चाकू लगी है, जिसका इलाज मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में चल रहा है। उसको सदर अस्पताल से जो है निजी अस्पताल ले जाया गया, इसका इलाज चल रहा है। वही बता दें कि घटना की जानकारी सिकंदरपुर पुलिस को लगी थी और सिकंदरपुर थाना की पुलिस से बता दें कि भारी संख्या में लकड़ी ढाई मोहल्ले में कैंप कर रही है। हालांकि जो माहौल है पहले काफी ज्यादा तनावपूर्ण था, लेकिन अब जो है पुलिस कैंप कर रही है, माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। पुलिस आगे की जांच में भी जुट गई है, आखिर क्या कारण था जो विवाद हुआ है, पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है स्थानीय का, इसके साथ साथ जो प्रशासन यहाँ पे पहुंचे हुए जो पदाधिकारी है सिकंदरपुर के, उनका क्या कुछ कहना है पहले आप सुनिए। हम थे दुकान पर, तो दुकान पर से हमको घर से कॉल गया कि घर पे रोड़ाबाजी कर रहा है और टूटा उठा गाड़ी उड़ी पर चला रहा है। तो हम आए तो यहाँ जानकारी चला क्या, 250 लड़का पूरे मोहल्ला में तोड़फोड़ किया, सबके घर पे रोड़ाबाजी किया, एक लड़का बगल में है उसको टाइगर भी भोंक दिया गया। कारण क्या है? कारण तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है हम लोग को, क्या की सुन तो रहे हैं क्या की दो तीन दिन पहले की कुछ क्या हुआ आपस में, अब ये नहीं पता है हमको क्या पूजा को लेकर कुछ विवाद था, पूजा को लेकर ही हो क्या, दुर्गा पूजा में क्या विवाद था, दुर्गा विसर्जन निकला फिर क्या, शायद विसर्जन निकला है उसी में कुछ अखाड़ा में क्या हुआ नहीं हुआ पर्सनल लोग का मैटर, लेकिन लोग हर एक साल इसी तरह करता है प्रत्येक साल। तो प्रॉब्लम था मतलब रात को भी विसर्जन निकलने के समय खारा के समय कुछ झगड़ा हुआ ऐसा, तो कुछ घटना हमको नहीं जानकारी, लेकिन ये लोग था तो ये लोग बतला सकता है पूजा में क्या हाथ पैर भी किसी का तोड़ा गया पहले क्या हुआ था उसमें, हाथ पैर अभी तक तो जितना नुकसान है हमारे मोहल्ला का ही नुकसान है। अभी तक अभी एक बच्चा का टाइगर मार दिया गया कुछ देर पहले, वो अभी भर्ती है, सुबह में एक लड़का को उत्तम को इसको उठा दुकान पे मछली बेच रहा था, उसके दुकान पर जाके मारा गया, डाइगर भोका था, वो हट के बचाव अपना करके मछली में उसका लग गया डाइगर, उसका 30-40 हजार रुपया था, 30-40 हजार रुपया लेकर भाग गया। तो वही पैसा क्या, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ अजीत कुमार। पहले ये हुआ था कि हम लोग चले गए थे एग्जाम देने, उधर से मुकेश चौधरी मेरे भैया को फोन करके बोला कि हेमंत फरियाना है, फरिया लो। उसके बाद भैया हम लोग चल गए थाना, हम लोग सुबह से उधर ही है, थाना गए, थाना पे हम लोग थे, उधर से सारा आदमी भेज के इधर मारा। मेरी बहन जान रहा है कि घर यही है हेमंत आपका। मेरी बहन आई बोलने कि स्कूटी पे क्यों मार रहा, लड़का लोग उसको दौड़ा के मारने लगा। रीजन कुछ नहीं है, किसी को नहीं पता है, कोई रीजन नहीं है, कोई मोहल्ला में नहीं था, कुछ नहीं, उसके लिए कोई चर्चा ही नहीं हुआ, कोई विवाद कुछ नहीं हुआ। बहुत 50-500 ऐसे करके थे, बहुत ज्यादा लड़का लोग, वहाँ का गाड़ी सबके टाइगर था, वो था ना जो चाकू उकू ये सब लिया था, रॉड बटा टाइगर उगर सब लेके सब खड़ा था। ऐसा होगा किसी के साथ, उन लोग पे एक्शन नहीं लिया जाएगा तो क्या किया जाएगा? लेडीज लोग कोई बच्चा मोहल्ला का सुरक्षित लगा, ये बोल रहा है कोठी मोहल्ला का हर एक बच्चा लड़का सबको मार के फेंके। कौन मोहल्ला हुआ ये? ये कोठी मोहल्ला हुआ, वो लकड़ी ढाई का A to Z लड़का ऐसा कर रहा है। दोनों मोहल्ला तो मूर्ति विसर्जन में साथ हुआ, लेकिन क्या हुआ क्लियर, बड़े लोग ना बात करेगा कि जो प्रॉब्लम क्लियर फेस टू फेस बात हो, इसमें एक बार किसी को बिना बताया के मारना कुछ करना किसे क्या रीजन है? जो आदमी किया उसको तो बोलना चाहिए ना, जो मेन आदमी है धमकी दिया उसको भी तो पकड़ना चाहिए। क्या क्या हुआ है? हमको कुछ नहीं पता, हम हर दिन की तरह अपने निर्धारित समय पे लकड़िया चौक पे मछली का कारोबार करते हैं। लकड़िया चौक पे मछली का कारोबार करे, मैं मछली सर चुका मछली का बिजनेस कर रहा था, दो चार कस्टमर भी थे, अचानक आए 4-5 लड़का, मैं 4-5 लड़का का नाम पिता का नाम सब जानता हूँ, देखता हूँ वो अंधूना बांस चलाना स्टार्ट कर दिए और डाइगर फूकना स्टार्ट किए, वो डाइगर हमको न लग के मछली में लगा और मछली का ट्रे होता है उसमें जाके लगा और हमको लगा था तो बहुत ज्यादा क्षति होता है। देखिए कैसे क्या हाल किया, आँख पे मार के अंधूनी बांस चला रहा था। कितने लोग थे?
6-7 लोग थे। कौन कौन लोग थे, क्यों मारना चाह रहा था? ये हमको रीजन नहीं पता क्यों मारना चाह रहा था। बोला था कोठी का सब लड़का को मारेंगे जो जो अखाड़ा खेला है। अखाड़ा कोई बातें नहीं है, बस बोला था मारेंगे कोठी घर के लड़का घिच खिच के मारेंगे। दुर्गा पूजा में सारे लोग? नहीं, दुर्गा पूजा का ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग किसी से विवाद नहीं किए, बस उन लोग का टारगेट था कोठी के लड़का को मारना है। रीजन हमको नहीं पता, बस उन लोग को अपना छवि दिखाना कि हम हीरो हैं, मोहल्ला में घुस के मार रहे। अभी लेडीज लोग, हम लोग थाना पे थे, लेडीज लोग के घर में किसी मारा, देखे कि चाकू मार दिया गया, शीशा देखे कैसे फोड़ दिया गया। बताइए हम लोग क्या करें, सेफ नहीं है घर का, लेडीज सेफ नहीं है, क्या होगा? आप ही लोग कुछ बताइए। कितने लोगों के खिलाफ आवेदन दिए हम लोग? लगभग 5-6 के खिलाफ दिए, जो हमको मारा सो दिए हैं। अब फिलहाल यहाँ का हमको कोई जानकारी नहीं है। क्या हुआ था? हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग सिर्फ बाहर, हम लोग जब हल्ला देखे ना उधर से, तो हम लोग सोचे कि बाहर निकल जाए, उधर उधर हो रहा था, और वो बचवा निकल गया यहाँ पर। उधर से जब निकला है, वहीं पर से निकला है, बस देखते हैं कि उसको गोड़ फूटा हुआ है, गोड़ से भागा है। कौन बचवा था? हमारा पोता है। क्या नाम था? शिवम। क्या कुछ विवाद था? कोई विवाद था, झगड़ा था, कुछ था? कुछ नहीं, हम लोग के बाल बच्चा कहीं नहीं, सुन लीजिएगा कहीं की लोग आया था, आए 40 लोग से आए कहना भैया, हमारा बाल बच्चा सब शुरू से लेकर माला वाला जानकारी कराई, कोई झगड़ा नहीं। कुछ जानकारी मिली है लकी भाई में? ये विसर्जन मूर्ति विसर्जन के लेकर दो पक्षों के बीच में बवाल, मोहल्ले के कुछ लड़के जो है शरारत तत्व जो झगड़ा किए थे, और उसमें आज उन लोग ग्रुप मोहल्ले में कुछ गाड़ियों का नुकसान पहुंचाए हैं। कुछ चाकू मिले गए? हाँ, एक बच्चा उन शरारती तत्वों को पकड़ने की कोशिश किया, जिसमें शिवम कुमार नाम का एक लड़का था जिसको इन लोगों ने चाकू मारा है, वो अभी सदर अस्पताल में इलाजरत है। पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? पुलिस यहाँ पे कैंप कर रही है और शांतिपूर्ण अभी चल रहा है। किसी को हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए? नहीं, आप भी किसी को हिरासत में लिया गया है, आवेदन मिलने पे ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था सिकंदरपुर पुलिस पदाधिकारी का। इसके साथ साथ जो स्थानीय मोहल्ले वाले हैं, किस प्रकार से विवाद हुआ, क्या कारण था, हालांकि विवाद का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान ये विवाद हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि आपसी वर्चस्व को लेकर भी ये मारपीट किया गया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।